नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की भेंट। मंत्री से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के बारे में की चर्चा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चायल में जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन किया लोकार्पण। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवाचार और नई तकनीकें अपनाने पर दिया बल। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर 10 मार्च को शिमला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत सोलन जिला के चायल में जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र क्षेत्र के लोगों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी लोगों को सस्ती दरों पर गुणात्मक दवाइयां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग में जन औषधि योजना कार्यान्वित की गई है। इन जन औषधि केंद्रों में दवाइयां और अन्य उपकरण प्रतिष्ठित फार्मास्यूटिकल कंपनियों से खरीदी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश भर में इस तरह के 7,500 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चायल में जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन लोकार्पण करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनरिक दवाइयां, सर्जिकल और अन्य मेडिकल उपचार संबंधी उपभोग्य उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन सभी दवाइयों और चिकित्सीय उपकरणों के दाम बाजार में उपलब्ध दवाइयों और उपकरणों की तुलना में काफी कम है। इसके कारण विशेषकर गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जन औषधि योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश सरकार लोगों को राज्य सरकार की निशुल्क दवा नीति के अंतर्गत 402 प्रकार की दवाइयां निशुल्क प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में 58 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चायल में खोले गए जन औषधि केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत पूरे देश भर में जन औषधि केंद्र खोलने की जो की है, और 7,500 टोटल जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में अभी तक खुल चुके हैं, और बहुत बड़ी जो है वो अच्छा एक जो है जिसको कह सकते हैं एक शुरुआत के रूप में लोग उत्साह के साथ ये जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं, जहां एक तरफ से इसमें मरीजों को सस्ती दवाई देने की बात आती, वहाँ दूसरी तरफ ये हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। कि जो दवाई, जैसे उस दिन यहाँ जो कृष्णा जो शुगर की पेशेंट थी ठेउक से, वो अपनी बात कह रही थी, मुझे 5,000 और 6,000 रुपये पर मंथ जो है वो खर्च करना पड़ता था, लेकिन जन औषधि केंद्र खुलने के बाद मैं मेडिसिन वहाँ से लेती हूँ और वो 6,000 की मेडिसिन मुझे 800 रुपए में उपलब्ध होती है, 800 रुपए में मिलती है, तो कितना बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर जन औषधि केंद्र नहीं होता तो शायद वो अपना इलाज जो है उन दवाइयों के माध्यम से जारी रख पाती या नहीं रख पाती। बहुत सस्ती भी मिलती है, और सस्ती के साथ साथ में जहाँ कुछ लोगों ने, एक डॉक्टर ने जिनको उस दिन सम्मानित भी किया कर्नाटका में, वहाँ के हमारे केंद्र के मंत्री सदा नंद गौड़ा जी ने, उन्होंने अपने वहाँ पर एक अपने इस जन औषधि केंद्र के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत बड़ी मदद की, और वो रोजगार का भी एक बहुत बड़ा जरिया खुला वो उनके लिए, और उसके साथ सस्ती दवाई देने की
एक शुरुआत की और आज बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उस जन औषधि केंद्र में आकर के वहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं। ये जन औषधि केंद्र जो चैल में खोला गया, ये बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं लोगों को देगा और उसके साथ साथ में रोजगार की दृष्टि से भी और उसके बाद सेवा की दृष्टि से दोनों चीजों को लेकर के आपको बहुत बहुत बधाई। दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वापस शिमला आ गए हैं। शिमला पहुंचकर उन्होंने बताया कि अपने दौरे के दौरान वह केंद्र के शीर्ष नेतृत्व से मिले और प्रदेश से जुड़े मुद्दों व समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अप्रैल यानी हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं पंजाब में 6वें वेतन आयोग को लागू करने के ऐलान को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम एग्जामिन कर रहे हैं और क्या स्वरूप रहेगा इस बात को भी देखा जा रहा है। हिमाचल में इसका कितना इम्पैक्ट आएगा, इन सब पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल के अपने पे कमीशन पर जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर भी चर्चा की जा रही है। अभी दिल्ली जाकर के आए हैं और दिल्ली हिमाचल से जुड़े हुए विषय जो विकास के हैं, सहयोग के हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात हुई है। मेरा मिलना रक्षा मंत्री जी से हुआ और उनके सामने हमने प्रमुख रूप से 2-3 विषय रखे हैं। एक तो हमारा धर्मशाला का जो योल कैंप का है, वहाँ लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उस दृष्टि से उसका समाधान हो, और उसमें दूसरा जो नाहन में जो आर्मी का एक वहाँ पर यूनिट है उसके बीच में से रास्ते का इशू है जिसको लेकर के लोग बार बार रिप्रेजेंट करते हैं, उस सारी बात को लेकर के बात हुई है वहाँ पर। और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलना हुआ है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से हमने हिमाचल के संदर्भ में कुछ बातें जो कहनी थी वो हमने कही है। सहयोग हमको ज़्यादा मिल सके उस दृष्टि से स्टेट स्पेसिफिक जो हमारे फाइनेंस कमीशन में जो रिकमेंड किए हैं जो प्रोजेक्ट्स, उस पर हमने कहा कि हमारी मदद की जाए और उसके साथ में उनसे और भी विषयों पर मदद के क्या रास्ते और हो सकते हैं उस दृष्टि से भी बातचीत हुई है। अनुराग ठाकुर जी भी साथ में थे उस मीटिंग में। उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी काफ़ी विस्तार से तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है हिमाचल से संबंधित। प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में हमने उनको निमंत्रण दे रखा है। एक तो हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 इनॉग्रेशन के, 1 इनॉग्रेशन के लिए है, 2 जो है हमारे उसमें फाउंडेशन स्टोन के लिए है, जिसमें हम जल्दी चाह रहे हैं कि भी वो तीनों जो है लगभग 4,000 करोड़ रुपीज़ के वो प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर उसमें लूरी है, दौलासिद्ध है और एक प्रोजेक्ट जो हमारा इनॉग्रेशन के लिए है उसके सिलसिले में भी हमने बातचीत की है। प्रधानमंत्री जी से हमने हिमाचल प्रदेश में जो स्वर्णिम वर्ष हमारा इस बार स्टेटहुड का जो चल रहा है उसमें भी किसी कार्यक्रम में आने के लिए आग्रह किया है। निवेदन तो हमने ये भी किया है कि भाई वो 15 अप्रैल को अगर समय निकाल सकते हैं तो उस दिन आए, नहीं तो आगे पीछे जो समय उनको अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध होगा उस दिन आए। हिमाचल प्रदेश में हम अपनी एक यात्रा, स्वर्णिम यात्रा जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा है हमने कि अगर उस दिन 15 अप्रैल को उनका हिमाचल दिवस के अवसर पर आना हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देखता हूँ, क्योंकि चुनाव की तारीखें लगी हैं उनकी इस बीच में लगातार, और ऐसे में फिर भी जो समय उपलब्ध हो पाएगा वो देखेंगे। इसमें इसी प्रकार से केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर से पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात हुई, उनसे जो हिमाचल के जो हमारे शिमला में जो चर्चा हुए थे विषय उसमें
थोड़ा और डिटेल में आगे बढ़ करके काम करने की दृष्टि से कुछ विषयों पर चर्चा हुई और उसमें भी उनका भी कहना है कि भी उन सारी चीज़ों को एक्सपर्ट उन्होंने अधिकारियों के आदेश दे दिए। फिर आज माननीय गृह मंत्री जी से मिलना हुआ है सुबह, और गृह मंत्री जी से मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी किया। उनका जो हमारे 600 प्रोजेक्ट्स जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो पेंडिंग थे उन सभी प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट करके जो है सॉलिसिटर जनरल की जिम्मेवारी लगा करके सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लियर करवाया है। और हिमाचल के डेवलपमेंट में जो प्रोजेक्ट ये पिछले लगभग 1.5 साल से लंबित थे तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक खुशी है कि उसमें हम काम करने की स्थिति में आगे बढ़ करके अब सफल होंगे। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के फिर बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भले ही कोरोना वैक्सीन आ चुकी हो लेकिन एहतियात और सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई लोग कोविड नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं, जिस वजह से प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि घर से बाहर निकलते वक्त मास्क अवश्य पहने, सामाजिक दूरी बनाकर रखें व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि 500 से ऊपर जो है कोविड के जो है वो एक्टिव केसेस हमारे प्रदेश में पाए गए हैं, और धर्मशाला में एक मोनेस्ट्री है वहाँ पर भी इकट्ठे सामूहिक रूप से काफ़ी जो वहाँ मॉन्क्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने सावधानी जो है वो छोड़ दी है। सार्वजनिक स्थानों पर मैं भी थोड़ा सा ये अनुभव करता हूँ कि जिस प्रकार से मास्क जो है निरंतर प्रत्येक व्यक्ति को पहनना चाहिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, और उसके बाद जो है हैंड हाइजीन, सोप और सैनिटाइज़र के माध्यम से, जब से ये कोरोना संकट खड़ा हुआ है पूरे विश्व के आगे, हमारे देश के आगे, प्रदेश के आगे, तब से लगातार जो है इन तीन उपायों के द्वारा ही बचा जा सकता है। अब तो वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन लगनी भी शुरू हो गई है, 1.25 लाख के करीब जो है वो लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जा चुका है हिमाचल प्रदेश में, अब उसका दूसरा फेज भी जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि वायरस अभी भी जो है वो समाज में मौजूद है, विद्यमान है, और एक हम जैसे कहते भी हैं आम भाषा में कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही व्यक्ति जो है कोरोना से इन्फेक्ट होगा जो सावधानी का पालन नहीं करेगा, जो सावधानी नहीं रखेगा। इसलिए आज फिर आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं समस्त प्रदेश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हिमाचल प्रदेश कोरोना शून्य ना हो जाए, एक भी केस कोरोना का हिमाचल प्रदेश में ना हो, जब तक वो स्थिति नहीं आती तब तक हमको जो है सावधानियों का पालन करना है। वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है लेकिन फर्स्ट डोज दिए जाने के बाद और फिर 28 दिन के बाद जो है वो सेकंड डोज जो है वो दिया जाता है, और सेकंड डोज के 14 दिनों के बाद जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रक्त में निर्माण होती हैं, तब हम कह सकते हैं कि प्रथम डोज दिए जाने के 42 दिनों के बाद जो है व्यक्ति कोरोना से सुरक्षित अपने आप को मान सकता है। तो इस 42 दिन की अवधि में व्यक्ति को जो है वो इन तीनों नियमों का पालन करना है। ये नहीं है कि पहली डोज हो गई तो अब हम कोरोना से जो है वो सुरक्षित हो गए, अगर सावधानी का पालन नहीं करेंगे तो ये गलतफहमी भी जो है वो दूर होनी चाहिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवाचार और नई तकनीकें अपनाने पर बल देते हुए कहा कि विश्व में केवल वही देश प्रगति कर रहे हैं जिन्होंने नई तकनीकों को प्राथमिकता प्रदान की है। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आत्मनिर्भरता के लिए ज्ञान और कौशल की नई प्रतियोगिता प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और सतत कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत कम समय में शिक्षा क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय वैश्विक चुनौतियों के समाधान ढूंढने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है।
प्री प्राइमरी कक्षाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने, हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष किए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं हेल्पर्स यूनियन द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया। सैकड़ों की संख्या में विधानसभा पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन की महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि बजट में उनके मानदेय में 300 से 500 रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की गई है, जो कि आज के इस महंगाई के दौर में नाकाफी है। उन्होंने कहा कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसे में सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए विधानसभा का घेराव किया गया है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया तो वे क्रमिक अनशन करने को बाध्य होंगी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठ गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत कर दिया गया है और इनके मानदेय में भी वृद्धि की गई है, लेकिन इससे ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुश नहीं है। क्या है इनकी मांगे, आइए इस पर बात करते हैं। यहाँ संस्था के महासचिव जो हैं हमारे साथ, उनसे। वीना शर्मा जी, क्या मांगे हैं, क्यों आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा है? हमारी सर जो पहली मांग है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो नियुक्ति हो प्री प्राइमरी स्कूलों में की जानी चाहिए, जिसका हमारा मेन उद्देश्य आज इस हड़ताल का यही है। दूसरा है कि जो आंगनबाड़ी हमारे केंद्र चले हैं उन्हीं को प्री प्राइमरी का अगर दर्जा दे दिया जाए तो हमारी सारी मांगे यहीं से हल हो सकती हैं और सरकार इस चीज़ को कर सकती है, क्योंकि ये काम हम लोगों ने बहुत पहले से हम लोग इसी को कर रहे हैं। और बच्चों का जो भी, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या शाला पूर्व शिक्षा संबंधी उनका मुद्दा हो, हमने इस चीज़ को अभी तक कर रहे हैं, तो हमें इसमें नियुक्ति दी जाए। सरकार ने आपके मानदेय में बढ़ोतरी की है, क्या उससे खुश नहीं है, क्या और मांगे? देखिए, जो नियुक्ति करी है वो ऊंट के मुंह में एक जीरे के समान है, क्योंकि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो अपने डिपार्टमेंट्स के काम के साथ साथ जो दूसरे काम है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या इलेक्शन से संबंधित हो, अदर भी कोई काम है, वो सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा किए जाते हैं। और अभी भी अगर, जैसे आपको पता है कि कोरोना काल में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स द्वारा बहुत सारा सर्वे किया गया है, लोगों को आयुष किट भी घर घर तक पहुंचाई गई है, लेकिन उस टाइम में भी ना तो आंगनवाड़ी वर्कर का उसका बीमा किया गया था और ना ही कोई इंसेंटिव उन्हें दिया गया। तो अगर ये छोटा सा एक 500-300 का बढ़ोतरी के, तो ये कोई काफ़ी नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के लिए। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब बैठेंगे। हमने इससे पहले भी एक छोटा सा प्रदर्शन किया था, अब हमने संख्या बढ़ाई और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निकलेंगे, डेफिनेट निकलेंगे उसमें। ये थे हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन जो है उनके महासचिव वीना शर्मा जी, जिनका कहना है कि सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया है, जो इनके मानदेय में बढ़ोतरी की है, और अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी समय में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। चैनल 9 के लिए शिमला से अपने सहयोगी कल्याण प्रिंटा के साथ गजेंद्र शर्मा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर शिमला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। चौड़ा मैदान में होने जा रहे इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल में विकास थम चुका है, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयराम सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर घेरने जा रही है। पार्टी जनहित से जुड़े इन तमाम मुद्दों को लेकर 10 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि इस जनसभा में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पार्टी के पूर्व में रहे अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक मौजूद रहेंगे। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन 3 वर्षों में हिमाचल में विकास की गति थम चुकी है।
महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार के इन तमाम विफलताओं को लेकर शिमला में विशाल जनसभा करेगी। जनसभा में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को दिशाहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, बागवानों, युवाओं और समाज के हर वर्ग की अनदेखी की गई है। राठौर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोरोना काल में भी घोटाले हुए हैं। इसके उलट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर जनसभा में बार बार कांग्रेस पर कोरोना के नाम पर कांग्रेस हाईकमान को करोड़ों का झूठा बिल भेजने के आरोप लगा रहे हैं, जो बेबुनियाद है। राठौर ने कहा कि वे कई बार मुख्यमंत्री को कह चुके हैं कि यदि उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज है तो मुख्यमंत्री उन्हें सार्वजनिक करे। मैंने बार बार कहा है कि आप मुझे बताइए कि कौन सा दस्तावेज है, किसके लेटर पैड पे, किसको भेजा गया है और किसके हस्ताक्षर है, वो सार्वजनिक करें ना। अब बार बार आप ये बात कह के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप सार्वजनिक करें, उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या कार्रवाई करनी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो घोषणा की थी मोदी साहब ने कि 20 लाख करोड़ का पैकेज हम जो है हमने देश में दिया कोरोना के समय, उसमें हिमाचल का कितना हिस्सा है, हिमाचल को कितना पैसा आया, मुख्यमंत्री जी ने ये भी नहीं बताया। मैंने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि कोरोना के समय में आपने जो पैसा इकट्ठा किया, आपने अधिकारियों को लगाया पैसा इकट्ठे करने के लिए, कितना आपके सीएम रिलीफ फंड में या सीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और उस पैसे का आपने सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, कम से कम बताएं, सूची जारी करें। मैं तो मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वो श्वेत पत्र जारी करें कि इतना पैसा हमको आया और इतना पैसा हमने जो है लोगों को राहत दी, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अभी तक इस बारे में बिल्कुल जो है मौन बैठे हैं। और कोरोना के समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल किया, जिस ढंग से भ्रष्टाचार के मामले आए, चाहे सैनिटाइजर घोटाला था, पीपीई किट घोटाला था, भू सौदों को लेकर इतने बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए, फेक डिग्री घोटाला, आपकी किसान निधि घोटाला, ये तो घोटालों की सरकार है। देखिए मुख्यमंत्री जी, अगर किसी दूसरे की कमीज सफेद है तो आप अपनी गंदी कमीज से तुलना मत कीजिए, आप छिटे डालने का प्रयास नहीं कीजिए। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि आप उन लोगों को धमकाने का प्रयास करें जिनकी कमीज गंदी हो, अगर वो गलत आरोप लगाएंगे उन आरोपों का उनको कड़ा जवाब मिलेगा। बागवानों व किसान संगठनों के बीच आपसी तालमेल बनाने व एकजुट होकर कृषि व बागवानी संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के समक्ष आवाज उठाने के उद्देश्य से राजधानी शिमला के रोटरी टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न किसान और बागवान संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक में कृषि कानूनों पर चर्चा की गई। इस दौरान किसान नेता संजय चौहान व किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तनवर विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सभी सब्जियों और फलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। हिमाचल प्रदेश में किसानों व बागवानों के बीच समन्वय स्थापित करने के मकसद से शिमला में आयोजित बैठक में प्रदेश के 5 जिलों के विभिन्न संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फल एवं फूल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कई किसान संगठन हैं, ऐसे में उन सभी संगठनों के मुद्दों को एक मंच देने के मकसद से इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाने की आवश्यकता है ताकि उनका समाधान हो सके। एक शुरुआत करना चाहते हैं कि जितने भी किसान संगठन हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है कि हिमाचल के किसान संगठन जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे एक मंच पे आए, जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे सबकी सहमति हो उन मुद्दों पर एक मंच पे आए, उसके लिए आज ये बैठक यहाँ रखी गई है रोटरी क्लब में यहाँ शिमला में। और इसमें जो है आज लगभग कोई 10-11 संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और राजनीतिक जो हमारे अपने अपने दल है उन राजनीतिक उससे छोड़कर सिर्फ किसानी बागवानी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वहीं हिमाचल किसान सभा के नेता संजय चौहान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का वे पुरजोर विरोध करते हैं। कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को किसानों पर थोपा है वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान संगठन भी इस कानून का विरोध करते हैं और यह मांग करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सभी सब्जियों और फलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। जो
नीतियां देश व प्रदेश में लागू की जा रही है, विशेष रूप में कृषि व बागवानी के क्षेत्र में। इसके चलते जो एक बड़ा संकट जो है कृषि व बागवानी के क्षेत्र में देश व प्रदेश के अंदर आया है, उसके किस तरीके से उस संकट से बाहर निकला जाए ताकि किसान और बागवान की जो रोजी रोटी है उसकी जो है रक्षा की जाए, तो इस पर चर्चा जो है आज यहाँ पर इस बैठक के अंदर की जा रही है। और आप देख रहे हैं प्रदेश भर के करीब 6 जिला से यहाँ पर जो है विभिन्न जो सेब उत्पादकों के संगठन है, दूध उत्पादकों के संगठन है, और इसके अलावा जो फल और सब्जी उत्पादकों के संगठन है वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं ये जो 3 कृषि कानून देश व प्रदेश के अंदर लागू किए गए हैं, ये जो है पूरे तरीके से बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा देने के लिए ये कानून जो है वो बनाए गए हैं। और इसके चलते जो है आने वाले समय में जैसे जैसे ये मंडी की व्यवस्था खत्म होगी, आने वाले समय में जो बड़े कॉर्पोरेट्स है दुनिया के स्तर पर, देश के स्तर पर, वो जो है हमारी खेती और कृषि पर कब्जा करेंगे और सब कुछ जो है हमारे प्रदेश के अंदर भी हमारी बागवानी, विशेष रूप में जो सेब की बागवानी है जिसका 5,000 करोड़ से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान है, वो जो है बड़ा संकट आएगा। और प्रदेश के अंदर कोई रोजगार का साधन नहीं है क्योंकि 90% जनता हमारे प्रदेश की जो है वो गाँव में रहती है और 70% जनता जो है वो रोजगार कृषि से अर्जित करती है। रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि व बिजली एवं पानी के बिलों की दरों को बढ़ाए जाने के विरोध में पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान, युवा ब्रिगेड सेवा दल और पंचायती राज संगठन शिमला द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के तहत मंगलवार को अभियान के आयोजकों द्वारा विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए व इन मुद्दों को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठाने की अपील की गई। सरकार की परिवर्तन दबाव बनाया जाए उसके माध्यम से आज हम विधानसभा आए थे, चुनाव प्रतिनिधि है, हमारी ये मांग है कि आप इन चीज़ों को लेकर के आप प्रदेश की सरकार से भी मांग करें कि ये जो पानी बिजली और ये टैक्स के और कूड़े के जो बिल, चाहे कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने किराया भाड़ा दिया यहाँ पे और हालत ख़राब है आम आदमी की, बजाय इसके कि कम करने के बजाय आप इसमें हर चीज़ में बढ़ोतरी कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि पानी के बिलों में 10 अप्रैल माह से 10% की वृद्धि हो रही है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि बिजली के बिलों में नगर निगम में 20% की वृद्धि कर दी है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि रेगुलेटरी जो बोर्ड है हिमाचल प्रदेश सरकार का उसमें भी 20% और वो भी उनका भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है? तो ये सारी चीज़ें को लेकर के हमने यहाँ विधानसभा के जो जितने भी हमारे सदस्य हैं चाहे इलेक्टेड है चाहे सरकार पे, वो दबाव बनाएं कि इन चीज़ों को कम, इनके रेट जो है कम किए जाए। ये जनहित में ये फैसला है, जनहित के माध्यम से हम लोगों की ये चुने प्रतिनिधि है चाहे वो विपक्ष है पक्ष है, वो हमारी बात को ताकि लोगों को राहत दी जा सके। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दे रहे एनपीएस कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन जिला सोलन एनपीएस कर्मचारी संगठन के कार्यकर्ता भी शिमला पहुंचे और प्रदर्शन में हिस्सा लिया। एनपीएस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट में घोषणा करेंगे, ऐसी उन्हें पूरी उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की जिससे कर्मचारी वर्ग निराश है। जबकि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था और मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के बीच आकर पेंशन बहाली के लिए कमेटी गठित करने की भी बात कही थी, लेकिन सरकार अब इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए जल्द ही कमेटी का गठन करे और पुरानी पेंशन बहाल करे। पूरे प्रदेश के कर्मचारी इस धरने में 20 तारीख तक शामिल होंगे और प्रदेश के कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और पूरे देश के कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। खुद तो ये नेता लोग जो हैं पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों की पेंशन इन नेता लोगों ने ही छीन रखी है। बजट सत्र के दौरान, ये जो बजट सत्र चल रहा है वर्तमान में, हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएंगे क्योंकि उन्होंने वादा हम सबसे किया था, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कर जनता के बीच जो है दो नामों से जाना जाता है। ये एक तो उन्हें जो है एक उनकी ईमानदारी छवि के कारण उन्हें ईमानदार मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन दूसरा उन्हें जो कहा जाता है वो यू टर्न वाले मुख्यमंत्री कहा जाता है।
तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कर्मचारियों से उन्होंने जो मांग इससे जो वादा किया था कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो कमेटी का गठन करेंगे और 2009 के अनुसूचना डेथ एंड डिसेबिलिटी पर पुरानी पेंशन बहाली है वो पूरा करेंगे। उन्होंने उससे यू टर्न ले लिया है और फिलहाल जो है वो हमें सिर्फ सहानुभूति दिखा रहे हैं, हमें उनके सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अगर उनको इतनी सहानुभूति हमसे है तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, कमेटी का गठन जल्द, अगर ये नहीं कर सकते तो कमेटी का गठन तो जल्द से जल्द करें। राजधानी शिमला में वाटर एटीएम से एक रुपए में एक लीटर स्वच्छ पानी देने की नगर निगम की योजना फेल हो गई है। शहर में एटीएम तो लगाए गए हैं पर इनमें पानी नहीं है, ये महज शो पीस बनकर रह गए हैं। वर्ष 2018 में लगाए गए इन वाटर एटीएम को संबंधित कंपनी ने एक साल तक जैसे तैसे चलाया, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक वाटर एटीएम खराब पड़े हैं। हैरानी तो इस बात की है कि जनता को स्वच्छ पानी देने के लिए नगर निगम ने वार्डो में वाटर एटीएम तो इंस्टॉल कर दिए हैं, लेकिन इनमें बिजली पानी के कनेक्शन नहीं लगे हैं, जिस कारण लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों ने संबंधित विभाग को जल्द से जल्द इन एटीएम को सुचारू करने की मांग की है। स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर शिमला शहर के सभी वार्डों में स्थापित किए गए वाटर एटीएम महज शो पीस बनकर रह गए हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें शिमला के पुराना बस अड्डा की हैं। यहाँ स्वच्छ पानी मुहैया करवाने के नाम पर लगाए गए वाटर एटीएम को लोग सम्मान रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता की जेब से टैक्स के तौर पर वसूले जाने वाले पैसे का जनता को सुविधा देने के नाम पर किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यह टीवी स्क्रीन में आप साफ देख सकते हैं। हालांकि नगर निगम के अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। यही हाल शहर के दूसरे वार्डों बालूगंज, संजौली, खलीनी और आईजीएमसी में भी है। इन वार्डों में वाटर एटीएम तो स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन सभी एटीएम स्वच्छ पानी देने के बजाय सड़क किनारे धूल फांक रहे हैं। कोरोना काल में शहर की जनता और शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए यह एटीएम स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदेमंद साबित हो सकते थे, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण सभी एटीएम शोपीस बनकर रह गए हैं। जानकारी के अनुसार अधिकतर में बिजली पानी के कनेक्शन न होने के कारण यह बंद पड़े हैं। शिमला शहर में पानी की व्यवस्था SJPNL कंपनी देख रही है। इससे पहले जिन भी वार्डों में वाटर एटीएम लगे थे वे केंद्र सरकार की ओर से मिली ग्रांट से लगाए गए थे। शहर में 34 वार्ड है जिनमें 30 वार्डों में शुद्ध पेयजल के लिए वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं। शहर में इन्हें लगाने का मकसद लोगों को सस्ती दरों पर साफ पानी उपलब्ध करवाना था, लेकिन आज हर जगह पर स्थापित वाटर एटीएम खराब पड़े हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने सभी एटीएम को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। मैं यही चाहूंगा जब अगर चीज वहाँ पे व्यवस्था की गई, उस चीज़ की एटीएम की व्यवस्था की गई, तो मैं यही चाहूंगा कि उसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और उनको चालू करवाया जाए ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। और जो खलीनी में जो एटीएम लगा था वो हमने अपने टाइम पे सैंक्शन किया था जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब आपका काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो सारे के सारे जितने भी एटीएम पूरे शहर में लगाए थे एक भी एटीएम जो वो काम नहीं कर रहा है। तो जो पानी का एटीएम है तो इससे हमारे को पहले बहुत सुविधा थी और साफ पानी मिलता था, कुछ दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है तो इससे हमारे को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो हमारी बहुत सुविधा होगी। ये एटीएम एक साल से बंद पड़ा है, कई लोग आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए पर ये बंद है, खराब है, लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही, नमस्कार।